नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि विदित है नित्य प्रति एक अच्छे से वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सात चक्र क्या है, चक्रों की महत्ता क्या है और ईश्वरीय सत्ता क्या है, ईश्वर है कि नहीं है, जैसा कि कुछ लोग बातें करने लगते हैं इस संबंध में। तो आज का शीर्षक यही रहेगा कि सात चक्र और ईश्वरीय सत्ता का महत्व क्या है। मित्रों, आगे बढ़ने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन तो जरूर दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें समय समय पर जब मैं वीडियो डालूं। मित्रों, जैसा कि हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि मनुष्य का शरीर पंचतत्व से बना हुआ है और इस पंचतत्व में आते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति अर्थात पृथ्वी तत्व, जल तत्व, तीसरा पावक मीन्स अग्नि तत्व या तेज तत्व, चौथा आकाश तत्व और वायु तत्व। अब इसको जरा ढंग से और देख लेते हैं, जान लेते हैं। समष्टि में जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी दृश्यमान है, वह पृथ्वी तत्व से, जिसका कोई वेट है, जिसका वजन है, पृथ्वी तत्व से जो ठोस पदार्थ के रूप में है, वो पृथ्वी तत्व है। उस पृथ्वी तत्व में ये गुण होता है कि उस पृथ्वी तत्व में हजारों प्रकार के रत्नों का भंडार है पृथ्वी। कई प्रकार के उसमें खनिज, लवण और मिट्टी में इतना सारा कुछ है, धातुएं इत्यादि सब, कि उससे जीव का जन्म होता है। पृथ्वी तत्व नहीं होता अगर तो जीव का जन्म भी मैं समझता हूं कि संभव नहीं होता। पृथ्वी तत्व आधारभूत तत्व है आपका। दूसरे पर आता है जल। जल तत्व यानी पानी, वाटर, ये पृथ्वी तत्व को अपने आप में घोलता है, ये डाइल्यूट होता है, तरल होता है। जल सारे संसार में, धरती में एक चौथाई धरती है और तीन चौथाई पानी है। इसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में भी एक चौथाई पृथ्वी तत्व है और तीन चौथाई पानी है। यह संयोग है, इसीलिए कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जैसा कि आपके शरीर में है वही शरीर के बाहर भी है, योगी जन ऐसा कहते हैं। यही चीज बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई थी और माता को अपने भीतर सारा ब्रह्मांड दिखा दिया था। यही साबित करने के लिए भगवान श्री राम के मुंह में कागभूषण जी का प्रवेश हुआ और भीतर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को देखा। हम भी जो कुछ हैं, जितने भी लोग हैं, तो सभी लोग भगवान परमात्मा के उदर में हैं हम लोग। ऐसा ऋषियों का मत है, ऐसा शास्त्रों का मत है। इसके बाद आता है तेज तत्व यानी कि अग्नि तत्व। यह अग्नि तत्व जहां पर जल तापमान को गिराता है, वहीं पे अग्नि तत्व तापमान को बढ़ाता है। अग्नि ये हमेशा नहीं रहती, पर हमेशा रहती भी है। तमाम प्रकार की अग्नि होती है, जैसे कि हमारे पेट में जठराग्नि होती है जो भोजन को पचाती है, समुद्र में बड़वाग्नि होती है और जंगल में या चूल्हे में आपने जो गैस देखते हैं, या चूल्हे में जो आप आग देखते हैं, या जंगल में पेड़ों में आग लग गई, वो बाहरी अग्नि है। तो खास तौर पे जंगल पे लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे शरीर का, मनुष्य के शरीर का तापमान हमेशा एक सा रहता है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तापमान क्या है? तापमान भी अग्नि तत्व है। अगर तापमान गिर जाएगा तो भी आदमी जीवित नहीं बचेगा। अग्नि तत्व के बाद में आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व कहते हैं जो कि खाली होता है, पूरा
खाली होता है जिसमें कोई चीज रखी जा सकती है या सजाई जा सकती है या जिसमें स्थिर होती है, यानी कि पृथ्वी भी आकाश में है और हम लोगों के भीतर भी आकाश है। जहां से हम हट जाते हैं वहां का आकाश खाली हो जाता है, जहां पर हम चले जाते हैं वहां का आकाश हम भर देते हैं। इसके बाद आता है वायु तत्व। ये वायु तत्व प्राणों का आधार माना गया है, पूरे विश्व में वायु तत्व ही प्राणों का आधार है और वायु के बिना कोई भी प्राणी, वैसे तो पंच तत्वों के बिना कोई प्राणी कभी जीवित रह ही नहीं सकता, ऐसे सबकी अपनी अपनी विशेषता है। अब मनुष्य के शरीर में जो मूलाधार चक्र है, इसके बाद में स्वाधिष्ठान चक्र है, तीसरा ये मणिपुर चक्र है, चौथा हृदय में अनाहत चक्र है और गले में इस जगह विशुद्ध चक्र है, मस्तक पर आज्ञा चक्र है और सहस्रार मस्तक पर है। तो ये जो आपका आपके शरीर में जो जननांग और गुदा के बीच का भाग होता है, उसके भीतर एक इंच भीतर यह मूलाधार चक्र होता है, इसके अधिपति गणेश जी हैं। इसके अलावा दूसरा स्वाधिष्ठान होता है जो नाभि से थोड़ा नीचे होता है, ये खडदल चक्र होता है, और नाभि के ऊपर चक्र होता है उसको मणिपुर चक्र कहते हैं, और ये अनाहत चक्र होता है हृदय में, हृदय के पास में बीचों बीच, और इसके बाद विशुद्ध चक्र गले में होता है कंठ पर, और ये आज्ञा चक्र है, ये आज्ञा चक्र इस जगह पर होता है जहाँ मैं उंगली रखे हुए हूँ, ये आज्ञा चक्र है, और ये जो सिर के ऊपर ये सिर है ऐसे पूरी जो एक कटोरी जैसी है, ये कही जाती है सहस्रार सहस्रदल कमल। मित्रों ये सात चक्र जब कोई शरीर को काटता चीरता है, आप शरीर का एक एक अंग निकाल के अलग अलग कर दीजिए, विच्छेदन कर दीजिए शरीर का, लेकिन आपको कहीं चक्र ये दिखाई नहीं देता। ये सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म चक्र होते हैं पर होते हैं, ये दिखाई देने वाली चीज नहीं है। इसी से कुछ दुर्मति लोग कहते हैं कि चक्र कोई होते ही नहीं, चक्रों का स्थान ही नहीं होता है। ये चक्र स्थूल नहीं होते, चक्र सूक्ष्म होते हैं। जैसे तारों में आपको बिजली नहीं दिखाई देती, परंतु आप बिजली के तारों को छू के देखिए, अगर करंट प्रवाहित हो रही होगी तो आपको पता चल जाएगा कि बिजली होती है। इसी प्रकार से ये चक्र भी हैं, और क्रमशः जब सारे चक्र जागते हैं तो परम सत्ता का आभास स्वतः ही हो जाता है। इसी प्रकार से कुछ लोग कह देते हैं कि ईश्वर नाम की सत्ता कहीं है नहीं, ईश्वर है नहीं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ईश्वर नहीं है तो हम और आप सभी लोग कैसे हैं? तुम्हारी बनाई हुई साइंस तो एक जगह फेल हो सकती है, पर ईश्वर की बनाई हुई साइंस कितनी वैज्ञानिक है। आप तो केवल उसका अध्ययन करते हैं, आप नई चीज ईजाद नहीं करते, आप तो अध्ययन करके और समायोजन के द्वारा नई वस्तु या कुछ उत्पन्न कर देते हैं। बाकी समष्टि में ब्रह्मांड में तो ये पहले से ही व्याप्त है। आपका जन्म लेना पहले से निर्धारित था, आपकी मृत्यु पहले से निर्धारित है। आप जब जन्मे तो आपके माँ के दूध में जो दूध आया आपके पालन के लिए, वो भगवान ने पहले से निर्धारित कर रखा था। तो ये सब ईश्वरी लीला है। ईश्वर को चैलेंज देना, ईश्वर को न मानना, ये बहुत ही बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ईश्वरी तत्व के बराबर तो कोई है ही नहीं। और जब ईश्वर की कृपा होती है तो बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते हैं जो अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर देते हैं। लेकिन एक ये भी होता है कि वैज्ञानिकों का जो जहां पर वो नौकरी कर रहे हैं या वैज्ञानिक हैं, तो उनकी दिक्कत ये होती है कि वो बेचारे मन से तो मानते हैं लेकिन उनको कहने की छूट नहीं है। जैसे कि वकील है, दोनों तरफ के वकील होते हैं,
एक तो पक्ष का वकील होता है, एक विपक्ष का वकील होता है, वादी का प्रतिवादी का। और ये बात दोनों वकील जानते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, कौन न्याय पर है कौन अन्याय पर है, ये दोनों वकील जानते हैं। प्रतिवादी का भी जानता है और वादी का भी जानता है, लेकिन इनकार नहीं करते, लड़ते रहते हैं। क्यों? यही उनका पेशा है। ये जानते हैं कि अमुक व्यक्ति ने मर्डर किया है, मृत्यु दूसरे को दी है और इसको फांसी होनी चाहिए, लेकिन ये उसको बचाया करते हैं, दसियों बीसियों साल बचाते हैं। और अगर मृत्युदंड हो भी जाए तो उसके लिए क्षमा याचिका की अर्जी वही देते हैं। तो वकील का अपना काम होता है। अगर वो ये कहने लगे कि नहीं, न्याय ये कहता है, तो मुकदमा ही नहीं चलेगा, और मुकदमा नहीं चलेगा तो उनको, उनके परिवार को पालेगा कौन? दूसरे, ये जो संविधान ही बना है, इसमें ये पक्ष विपक्ष पहले से ही बना दिए गए। ये थ्योरी विदेशों की है, और ये पूर्ण रूप से ये न्याय नहीं करती। जिसको दंड मिलना चाहिए वो वर्षों जीता है, स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त करता है, और बेचारा एक व्यक्ति जिसकी हत्या हो गई उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल पाता। ऐसे ही ये होते हैं वैज्ञानिक। इनको ये भीतर से तो मानते हैं, लेकिन कह नहीं सकते कि ऐसा सही है, क्योंकि ऐसा कहने से हो सकता है कि उनकी नौकरी चली जाए, हो सकता है कि उनको लोग पिछड़ेपन का की निशानी समझने लगे, हो सकता है कि उनको लोग मानसिक रूप से दिवालिया कहने लगे, क्योंकि वो वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक को आस्था नहीं करनी चाहिए। वैज्ञानिक को धर्म को मानने का, आस्था करने का अधिकार नहीं है, उसको केवल और केवल उन चीज़ों के बारे में अधिकार है जो कि वो प्रूफ कर सकता है। और परमात्मा कोई परख नली में डाल करके टेस्ट ट्यूब में उसको एनालिसिस नहीं की जा सकती। परमात्मा परमात्मा है, और वो सारे ब्रह्मांड का नायक है, पूरे संसार का संचालन करता है, और उस वैज्ञानिक की बुद्धि को भी तो वही संचालित कर रहा है। और इन दुर्बुद्धियों जो ईश्वर को, परमात्मा को नहीं मानते, उनको भी संचालित करने का काम परमात्मा ही तो कर रहा है। जब सृष्टि में संचालन की बात आई तो एक देवताओं के गुरु बनाए गए, तो फिर दैत्यों के भी गुरु बने। ये ऐसे लोग पैदा ही इसलिए ईश्वर करता है कि संतुलन बना रहे। अब ज्यादा अच्छे लोग हो जाएंगे, सभी अगर धार्मिक हो जाएंगे, सभी ईश्वर को मानने वाले हो जाएंगे, तो फिर रामायण और महाभारत वाले जैसे रावण और कंस कहाँ से पैदा होंगे? ये नरनाट्य कैसे होगा? भगवान का अवतार कैसे होगा? ये है। तो ऐसे दुर्मति दुर्बुद्धि लोगों का भी जो जीवन ईश्वर ने दिया है, उनका भी कोई हेतु ही तो है। इसलिए उनकी बातों में न जा करके सज्जन लोग वो अपने हिसाब से चलें और ईश्वर पर आस्था बनाए रखें। और ईश्वर सर्वोपरि है, इसमें कोई दुराय नहीं है। आप देखिए, आप अरबपति व्यक्ति हैं, ठीक, एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप अरबपति व्यक्ति हैं, आपके सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, और आप कहीं गए, मान लीजिए कि आप जाते हैं वैष्णो देवी के आश्रम, वैष्णो देवी के मंदिर जाते हैं या और कहीं जाते हैं। अब वहां पर आप गए और आपने जेब में हाथ डाला, आपको सिगरेट पीने की लत है या तंबाकू खाने की लत है आपको। अब वहां पर आपने जेब में हाथ डाला और आपको ध्यान आया कि ये तो खत्म हो चुकी, अब मैं क्या करूं, आपको तलब लगी है, और आपने किसी गरीब व्यक्ति से, अनपढ़ व्यक्ति से, जो फटे पुराने कपड़ों में दिख रहा है, उससे आपने एक बीड़ी या सिगरेट की मांग कर दी, बीड़ी की या तंबाकू की, और उस व्यक्ति ने आपको दे दी, आप क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को आप धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू कहते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको इतना बड़ा आदमी बनाया, जिस व्यक्ति जिस
शक्ति ने आपको पैदा किया, जिस शक्ति ने आपको इतना बड़ा बिजनेस दिया, जिस शक्ति ने आपको इतना सम्मान दिया, जिस शक्ति ने आपको इतनी सुंदर पत्नी दी, जिस शक्ति ने आपको नौकरी दी, या जिस शक्ति ने आपको आज तक इतना बड़ा बनाया, उसको आप थैंक यू नहीं बोलना चाहते, उसको सम्मान नहीं देना चाहते। सम्मान उसको देंगे जो आपको बीड़ी पिला दे या तंबाकू दे दे। तो ऐसी दुर्बुद्धि लोगों को क्या कहा जाए, वो क्या कहा जाए, ये लोग आप सोचिए। और मैं तो चला, चूंकि मेरा समय हो रहा है, और मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।